केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 11 लाख रेलवे कर्मचारियों को उत्पादकता बोनस के तौर पर 78 दिन का वेतन दिया जाएगा। मीडिया से बात करते वक्त यहां मौजूद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि ई सिगरेट को पूरी तरह से बैन करने का कैबिनेट ने फैसला लिया है। अयोध्या भूमि विवाद मामले में 26वें दिन की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि हमें उम्मीद है कि हम अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में 18 अक्टूबर तक सुनवाई पूरी कर लेंगे। बॉर्डर एक्शन टीम यानी कि बैट की तरफ से घुसपैठ की कोशिश के दौरान पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप कमांडो और आतंकियों पर भारतीय सेना ने ग्रेनेड से हमला किया और उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर पर विवादित बयान दिया है। ठाकरे ने कहा कि मणिशंकर अय्यर को जूतों से पीटा जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को बेवकूफ बताते हुए कहा कि राहुल के पास बहुत वक्त है, पीएम बनने से पहले उन्हें देश को समझने की कोशिश करनी चाहिए। वहीं उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार से वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की। टीडीपी ने अपने नेता और पूर्व स्पीकर कोडेला शिव प्रसाद राव का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ करने से मना कर दिया है। कोडेला का शव गुंटूर के केंद्रीय पार्टी कार्यालय में रखा गया, जहां हजारों समर्थकों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर नरसरावपेट ले जाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। फलों और सब्जियों पर कृत्रिम रंग और केमिकल के जरिए चमकीला बनाकर बाजार में बेचने का चला नाम है, लेकिन केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान इसका शिकार हुए हैं। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री ने अपने अधिकारियों को फोन करके दी, जिसके बाद विभाग हरकत में आया और फल विक्रेता पर एक्शन लिया। पब्लिक सेक्टर की एयरलाइन एयर इंडिया के भी निवेश को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक की। वित्त वर्ष 2018 से 19 में एयर इंडिया को 8400 करोड़ रुपए का जबरदस्त घाटा हुआ है। ये आंकड़े हाल ही में सार्वजनिक किए गए हैं और ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ये बैठक अहम मानी जा रही है। बाबरी मस्जिद मामले के पक्षकार इकबाल अंसारी के खिलाफ कोर्ट ने मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया है। यह आदेश कोर्ट ने निशानेबाज वर्तिका सिंह की तरफ से दायर अर्जी पर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और 3 दिन में जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। पीएम मोदी के हाउडी मोदी कार्यक्रम में शामिल न होने पर भारतीय मूल की अमेरिकी सांसद तुलसी गबार्ड ने सफाई दी है। तुलसी ने कहा कि मुलाकात से मना करने की खबर गलत है, मैं राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार में बिजी हूं, इसलिए ह्यूस्टन नहीं जा पाऊंगी। अमेरिकी सांसद तुलसी गबार्ड ने कहा कि मैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहती हूं। पाकिस्तान में संदेह हिंदू लड़की नम्रता चंदानी की हत्या का विरोध होना शुरू हो गया है। देर रात कराची की सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारियों ने हथियारों को गिरफ्तार करने की मांग की। मेडिकल की छात्रा नम्रता का शव उसके हॉस्टल में संदिग्ध परिस्थिति में मिला था। उसके गले में रस्सी बंधी थी। नम्रता के भाई ने हत्या का आरोप लगाया था।